फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको क्रोशिया का एक बहुत प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए, मैंने इसमें 29 चैन बुन ली है और मेरा क्रोशिया नंबर देखिए 12 है। और देखिए, अब हम जो इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे तो फर्स्ट रो देखिए इस तरह बुनेंगे। आपने हर चैन में फंदे बनाने हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
इसमें 15-15 के जोड़े, 15-15 आपने इसमें करना है, 15+15 करना है आपने, फिर उसके बाद एक माइनस कर देना है, तो ये 29 हो गए। अब आप देखिए जो फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, अब सेकंड रो देखिए इस तरह बहुत इजी है, आपने इस तरह से सेकंड रो बनानी है, हर चैन में से आपने पास करना है इस तरह। हर चैन में से आप इसे इस तरह से पास कर दीजिए। देखिए इस तरह देखिए सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए थर्ड रो जो बुनेंगे, थर्ड रो देखिए आपने, देखिए यहाँ चैन में से पहले आपने एक लेना है, तो ये दो हो गए, फिर आपने देखिए यहाँ से ऊपर से 3, 4, 5, 6, 7 देखिए 7 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 के बाद आपने क्या करना है, देखिए ये 1, 2 और 3, इन तीनों को एक साथ इस तरह से बुनना है, ठीक है। फिर देखिए फ्रेंड्स आपने 3 को एक साथ बुन लिया, इसके बाद देखिए ये यहां से 1, 2, 3, 4 और ये 5 देखिए ये 5 आ गए। 5 के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए देखिए 5 के बाद आपने देखिए यहां से एक चैन में ऊपर से यहां से पहले एक बुनेंगे, फिर देखिए ये आगे से ये जो बनाया था यहां से आप 2 बुनेंगे, फिर यहां से आप चैन में 3 बुनेंगे, इस तरह से हमारे 3 बन गए हैं। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए 5 आपने आगे से बुनने हैं यहाँ से, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 आगे से बुनने के बाद देखिए ये 1, 2 और 2 के बाद ये 3, इन तीनों को आपने एक साथ बुनना है। एक साथ बुनने के बाद देखिए एक ऊपर से यहाँ से एक चैन बुनेंगे, फिर ये देखिए 2, 3, 4, 4 के बाद ये 5, 6
और यहाँ आपने सात बुनना है। तो साइड में भी हमारे सात आ गए। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने हर एक चैन में से इस तरह से पास करना है। थर्ड रो के बाद फ्रेंड्स ये फोर रो है हमारी। हर चैन में से आपने इसी तरह से पास करना है। इस तरह से देखिए इसका लुक इस तरह से आएगा, कटवर्क की तरह। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए अब दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, देखिए फिर से फ्रेंड्स आपने देखिए सात बुनने हैं आपने। फिर आप क्या करेंगे, व्हाइट से एक, दो, तीन हो गए, चार, पांच, छः, सात। तो चार पांच छः सात हो गए, तीन तीन छः सात। फिर आपने क्या करना है, देखिए फिर आपने एक, दो और ये तीन, इन तीनों को आपने एक साथ बनना है इस तरह से। तीन एक साथ बुनने के बाद देखिए क्या करना है आपने, ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच आपने देखिए आगे से बुन लिए। फिर आपने क्या करना है, ये देखिए पांच आगे से बुनने के बाद एक, दो, तीन, तीन इस तरह से बुनेंगे। बुनने के बाद आपने देखिए एक इस चैन में बुनेंगे, एक, फिर एक यहाँ बुनेंगे, दो, फिर देखिए यहाँ चैन में बुनेंगे। इस तरह से फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने पांच आगे से बुनने हैं, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच के बाद आपने क्या करना है, देखिए एक, दो, तीन, इन तीनों को एक साथ बुनना है। फिर आपने यहां देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच के बाद देखिए एक आपने चैन में बुनना है। सात हो गए इस तरह से। फिर इसके बाद फ्रेंड्स ये रो तो बहुत इजी है, बस आपने हर एक में से पास करना है, एक, दो, तीन, चार। हर चेन में से इस तरह से पास करते जाइए फ्रेंड्स, इस तरह से। देखिए ये वाली रो बहुत आसान है।
देखिए बनता जा रहा है हमारा डिजाइन। ये देखिए फिर से आपने क्या करना है, देखिए फिर आपने देखिए कि यहाँ चैन के ऊपर ये दो हो गए, तीन, चार, पांच, छः, सात, दो चार, दो छः, एक सात, सात के बाद देखिए आपने तीन एक साथ बनने हैं, फिर एक दो तीन, इन तीनों को एक साथ बुन दीजिए इस तरह। फिर इसके बाद आपने पांच बुनने हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच बुन लिया आपने देखिए इस तरह। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, पांच के बाद आपने क्या करना है देखिए, एक बार यहां से बुनना है आपने चैन में से एक, फिर एक यहाँ बुनना है दो, फिर इस चैन में बुनना है तीन, फिर इसके बाद देखिए एक दो तीन चार पांच, ये पांच बुनेंगे। फिर इसके बाद आपने क्या करना है देखिए, एक दो तीन, आपने यहाँ तीन एक साथ बुनना है, तीन एक साथ बुनने के बाद फिर देखिए इस तरह से देखिए हमारा डिजाइन देखिए तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आपने सिर्फ यही टू थर्ड और फोर ये दो रो रिपीट करनी है और आपका डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।